गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। क्या आप कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड मिक्स करके लगा सकते हैं? इसका मतलब यह है कि एक डोज आपने कोविशील्ड की लगाई, दूसरी डोज आपने कोवैक्सीन की लगाई। क्या आप मिक्स करके जो वैक्सीन हैं वो कोरोना वायरस के अगेंस्ट जो लड़ाई है इसमें लगा सकते हैं? ये मिलियन डॉलर क्वेश्चन है। नौ आज की तारीख में अगर हम देखें तो हमारे देश में जो वैक्सीनेशन है वो फुल स्विंग में है। ये बात सही है कि थोड़ी सी वैक्सीन की शॉर्टेज है, इसके चलते कुछ स्टेट्स में जो वैक्सीनेशन का ड्राइव है थोड़ा सा हेवायर हो गया है। एंड बहुत सारे लोगों को ये मन में डर है कि अगर वैक्सीन नहीं मिला तो क्या हो जाएगा। और ऐसा चूंकि डर है तो बहुत लोगों का ऐसा सोचना है कि जो भी वैक्सीन मिल जाता है, चाहे वो अलग अलग कंपनीज का हो, अलग अलग मेक का हो, उसे लगवा लेना चाहिए। क्या ये सही है? इस पर आज हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। नाउ ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आपने एक डोज लगाई और दूसरी डोज अगर आपकी थोड़ी सी डिले भी हो जाती है, टाइम पे नहीं लगती है, तो उससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है। साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि आपको जो वैक्सीनेशन का शेड्यूल है उसी पर लगाना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा डिले हो जाने से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है। इनफैक्ट अगर हम कोविशील्ड को देखें तो कोविशील्ड ने पहले बोला कि फर्स्ट एंड सेकेंड डोज के बीच में जो इंटरवल है इट शुड बी 4 वीक्स, देन डिपेंडिंग अपॉन द एंटीबॉडीज डेवलपमेंट उनका उन्होंने ऐसा माना कि ये जो गैप है इसको और बढ़ा देना चाहिए। एंड नाउ द रिकमेंडेशन आर कि कोविशील्ड की जो दो डोजेस हैं फर्स्ट एंड द सेकंड, इनके बीच में जो गैप है वो 12 से 16 हफ्ते का होना चाहिए। इसका मतलब है 3 से 4 महीने का गैप इज रिकमेंडेड। नाउ ये क्वेश्चन बिल्कुल लोगों के दिमाग में आता है, बार बार पूछा जाता है कि क्या हम जो डोजेस हैं कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन उनकी मिक्स करके लगवा सकते हैं, यानी कि एक डोज कोवैक्सीन की एंड एक डोज कोविशील्ड की। इसे हम साइंटिफिकली देखने की कोशिश करेंगे। नाउ एक्यूट शॉर्टेज का जहां तक सवाल है, यह बात बिल्कुल सही है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट तो कर रही है। नाउ क्वेश्चन वही खड़ा हुआ है हमेशा कि क्या आप जो ना मिला के इनको लगा सकते हैं, और अगर आप एक डोज कोविशील्ड और एक कोवैक्सीन की लगवाते हैं तो क्या इनकी एफिकेसी वैसी ही होगी जैसा होना चाहिए? यह एक क्वेश्चन है। नाउ यह बात बिल्कुल सही है कि आपको अगर फुल प्रोटेक्शन चाहिए तो आपको दो डोजेज लगाने की जरूरत है, चाहे आप कोवैक्सीन की लगाएं चाहे आप कोविशील्ड की लगाएं। जो सेकंड डोज है उसको स्किपिंग कहीं से भी एडवाइजेबल नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप उसको जो ना स्किप कर दें कि दूसरी डोज नहीं लगाएंगे हम। ये बात बिल्कुल सही है कि जो सेकंड डोज है अगर आपको स्पेसिफाइड टाइम पर मिलती है तो बहुत अच्छी बात है। अगर लेकिन ऐसा हो जाता है कि अगर डिले थोड़ा सा होता है तो बहुत प्रॉब्लमेटिक इश्यू नहीं है, अपनी तरफ से कोशिश करिए कि ऑन शेड्यूल मिले, डिले ना हो, बट अगर थोड़ी सी डिले होती है तो इट्स नॉट अ वेरी अलार्मिंग थिंग। सेकेंड डोज हर हालत में लगाने की जरूरत है। अगर आप सेकेंड डोज डिले भी करते हैं तो ऐसा नहीं है कि इसके चलते फर्स्ट जो आपने डोज लगाई है वो यूजलेस हो जाती है। जो डिले है वो अंडरस्टूड है, माना जा सकता है, क्योंकि वैक्सीन की शॉर्टेज कभी कभी होती है, लेकिन डोंट कैंसिल दी सेकेंड डोज, ये बात बिल्कुल सही है। और अगर आप लेट भी हो जाते हैं सेकेंड डोज लगाने में तो आप अपना कोविड जो एप्रोप्रिएट बिहेवियर है इन दैट सेंस के मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग करिए, हैंड वॉशिंग करिए, उसको चालू रखिए। सेकेंड डोज अगर थोड़ी सी डिले भी हो जाती है तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है कि जो पॉपुलेशन एट लार्ज है उसको वैक्सीन की जरूरत है। ये बात सही है कि वैक्सीन के नहीं मिलने से या वैक्सीन की थोड़ी सी शॉर्टेज से थोड़ा सा पैनिक तो हो रहा है। ये बात बिल्कुल सही है कि स्क्यूड जो अवेलेबिलिटी है कि अभी हमने कोविशील्ड लगाई, अब कोविशील्ड नहीं मिल रही है लेकिन कोवैक्सीन मिल रही है, तो इसके चलते लोगों के दिमाग में हमेशा ये रहता है कि उससे क्या फर्क पड़ता है, ये कोविशील्ड लगाई थी अब कोवैक्सीन लगा लेते हैं। लोगों के दिमाग में यही कंसेप्ट है कि जैसे कोई भी एक गोली है, आज मैंने ये गोली इस कंपनी की खाई, इस कंपनी की नहीं मिल रही तो दूसरी कंपनी की खा लेते हैं, आज मुझे ये एंटीबायोटिक इस कंपनी का लगाया था ये नहीं मिल रहा है तो दूसरी कंपनी का लगा लेते हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि नो मैटर व्हाट, कुछ भी हो जाए, लेकिन आपको जो वैक्सीन है उसको इंटरचेंज नहीं करना चाहिए। अगर आपने एक डोज या फर्स्ट डोज कोविशील्ड की लगाई है तो आपको सेकंड डोज कोविशील्ड की ही लगाना चाहिए, अगर आपने फर्स्ट डोज कोवैक्सीन की लगाई है तो सेकंड डोज भी आपको कोवैक्सीन की ही लगाना चाहिए। नो मैटर व्हाट, जो वैक्सीन हैं उनको मिक्स करने की जरूरत नहीं है। इसके बहुत सारे कारण हैं। साइंटिफिकली देखिए, जो वैक्सीन हैं वो बिल्कुल डिफरेंटली बनाए जाते हैं,
जो वैक्सीन हैं उनके काम करने का जो तरीका है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, दे वर्क एब्सोल्युटली इन अ डिफरेंट मैनर, उनके जो वर्किंग स्टाइल है वो उस पर्टिकुलर वैक्सीन के लिए यूनिक होती है, उनका जो कंपोजिशन है, उनका डेवलपमेंट है उसके ऊपर डिपेंडेंट होती है, तो उसकी जो वर्किंग स्टाइल है इज यूनिक टू दैट पर्टिकुलर वैक्सीन, इन द सेंस कि कोविशील्ड अपनी तरह से काम करता है, अपनी तरफ से इम्यूनिटी को डेवलप करता है, कोवैक्सीन अपनी तरफ से काम करता है, अपनी तरफ से इम्यूनिटी डेवलप करता है, तो एक डोज कोविशील्ड एक डोज कोवैक्सीन साइंटिफिक रिकमेंडेशंस आर कि आपको इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। ऑन द कंट्ररी आप जानते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ वैक्सींस, एक तो होते हैं जो ट्रेडिशनल डेवलप होते हैं, एक होते हैं एमआरएनए वैक्सीन और मैसेंजर आरएनए वैक्सींस। जो फाइजर एंड मॉडर्ना है दे आर मैसेंजर आरएनए वैक्सींस, और जो ट्रेडिशनल वैक्सींस लाइक कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन दे आर ट्रेडिशनली डेवलप्ड वैक्सीन। साइंस ऐसा मानती है कि इनको किसी भी हालत में मिक्स करने की आज की तारीख में रिकमेंडेशंस नहीं है। फॉर दैट मैटर अगर हम देखें तो कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन ये तो दोनों ट्रेडिशनली डेवलप्ड वैक्सीन है, तो क्या इन्हें मिक्स किया जा सकता है? रिकमेंडेशंस आर दैट नो, इवन इफ दे आर ऑफ सेम नेचर तो भी इन्हें मिक्स नहीं करना चाहिए, बिकॉज इनके जो रिजल्ट्स हैं जरूरी नहीं है कि फेवरेबल हो। इट इज क्वाइट पॉसिबल कि इन दोनों के जो रिजल्ट्स हैं अगर हम मिक्स करते हैं तो अनफेवरेबल भी हो सकते हैं। नाउ जहां तक वैक्सीन का सवाल है उसको मिक्स नहीं करने के और सारे भी बहुत सारे कारण हैं। आप देखिए जब भी आप वैक्सीन लेते हैं तो वैक्सीन लेने के पहले बहुत सारी चीजें आप देखते हैं, इन द सेंस कि कुछ जो वैक्सीन होते हैं वो आपको सूटेबल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। से फॉर एग्जाम्पल आपको ब्लड क्लॉटिंग का कोई डिसऑर्डर है, से फॉर एग्जाम्पल आपको एलर्जी है किसी पर्टिकुलर वैक्सीन के कंपोनेंट से फॉर एग्जाम्पल आप ब्लड थिनिंग मेडिकेशन ले रहे हैं, तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आपको कुछ वैक्सीन ऐसे हो जो सूटेबल ना हो। मान लीजिए आपको ब्लड कोएगुलेशन कोई डिसऑर्डर है, तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि कोविशील्ड जैसे जो वैक्सीन हैं दे मे नॉट बी वेरी सेफर टू यू। तो जब भी हम वैक्सीन के बारे में डिसाइड करते हैं कि मुझे कौन सा वैक्सीन लगाना चाहिए, तो हम उसके साइड इफेक्ट की प्रोफाइल देखते हैं, हम उसकी सूटेबिलिटी देखते हैं कि मुझे सूट करेगा कि नहीं करेगा, हम उसका एंटीबॉडी रिस्पांस देखते हैं कि उसकी कैसी एफिकेसी है, कौन सा वैक्सीन कितना एफिकेशियस है। नंबर चार हम देखते हैं कि मुझे क्या कोमॉर्बिडिटीज हैं एंड फिर मेरे लिए ये वैक्सीन कितना सूटेबल है। अगर मुझे ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर है तो मुझे ये लगवाना चाहिए कि नहीं लगवाना चाहिए, अगर मैं ब्लड थिनिंग एजेंट ले रहा हूं तो मुझे ये वैक्सीन लगवाना चाहिए कि नहीं। तो जब भी वैक्सीन के लिए आप चूज करते हैं तो आप ये चार चीजें देखते हैं, साइड इफेक्ट प्रोफाइल, सूटेबिलिटी टू यू, एंटीबॉडी रिस्पॉन्स कितना अच्छा आएगा या एफिकेसी, इन चार आप देखते हैं कि क्या कोमॉर्बिड इलनेस आपको है, इन कौन सा वैक्सीन आपको सूटेबल है। जहां तक मिक्स करने का सवाल है डिफरेंट डोजेस ऑफ द वैक्सीन, ये कहीं से भी रिकमेंडेड नहीं है। इसका मतलब आपने अगर कोविशील्ड की पहली डोज ली तो आपको कोविशील्ड की दूसरी डोज लेना चाहिए, अगर आपने कोवैक्सीन की पहली डोज ली तो आपको कोवैक्सीन की ही दूसरी डोज लेना चाहिए। नाउ ये जो मिक्स की जो बात होती है, क्या वास्तव में ये पहली बार बात हो रही है या पहले भी कभी मिक्स एंड मैच जैसी बात हुई है? नहीं, ऐसा नहीं है, मिक्स मैच की बात पहले भी हुई। इसको जरा आप ध्यान से देखिए, जो कोरोना वायरस का वैक्सीन है रेस अगेंस्ट टाइम एज इमरजेंसी यूज आपके सामने आया, ये बात बिल्कुल सही है कि मिक्स एंड मैच का सवाल है, ये पहले भी हुआ, इन द सेंस कि जब इबोला का आउटब्रेक हुआ था, जो इबोला वायरस का आउटब्रेक हुआ था तो उसमें भी वास्तव में मिक्स एंड मैच की जो स्ट्रेटजी है वो सामने आई है, लेकिन जो एक्सपर्ट्स का ओपिनियन है वो एंटायरली डिवाइडेड है, मतलब वो बिल्कुल अलग अलग सोचते हैं। ये बात सही है कि देयर आर करंट ट्रायल्स व्हिच आर गोइंग ऑन, जिसपे ये देखा जा रहा है कि अगर डिफरेंट वैक्सीन को अगर हम मिक्स करके लगाते हैं तो वास्तव में उनसे क्या हमें फर्क मिलेगा, क्या जो हमारी स्ट्रॉन्गर जो इम्यूनिटी है वो और स्ट्रॉन्गर होगी अगर हम मिक्स करके लगाते हैं, क्या हमारा प्रिवेंशन का जो लेवल है वो बेटर होगा अगर हम मिक्स करके लगाते हैं। तो बहुत सारी ट्रायल्स इस एस्पेक्ट पर भी चालू हैं। अगर हम यूको के देखें तो एक स्टडी है, इट्स अ क्लिनिकल स्टडी ऑन 600 पार्टिसिपेंट्स, 600 पार्टिसिपेंट्स के ऊपर ये स्टडी है। इनको कॉम्बिनेशन डोजेस दी गई, इन द सेंस कि इनको एक कोविशील्ड की डोज दी गई विच वॉज फ्रॉम एस्ट्राजेनिका। ये जो एस्ट्राजेनिका या कोविशील्ड या जो हमारे यहां सीरम इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया, ये वास्तव में ट्रेडिशनली मॉडल्ड वैक्सीन है,
ये वास्तव में एडिनो वायरस बेस्ड वैक्सीन है, ट्रेडिशनली डेवलप्ड। ऑन द सेंस ऑन द कंट्रेरी दूसरी जो वैक्सीन दी गई वाज फाइजर वैक्सीन, जो एमआरएनए वैक्सीन है या मैसेंजर आरएनए वैक्सीन है। तो दोनों जो वैक्सीन हैं वो बिल्कुल अलग अलग प्लेटफॉर्म पर हैं। तो ये जो 600 रेसिपिएंट्स हैं इनको वास्तव में दोनों जो वैक्सीन हैं ये दी गई। जो अर्ली ऑब्जर्वेशन हैं उनका जो रिजल्ट है उसको ध्यान से देखिए। जो रिजल्ट है ये कहती है कि जो कॉम्बिनेशन है ये वास्तव में टॉलरेबल था, इन द सेंस कि जो 600 पार्टिसिपेंट्स जिनको ये कॉम्बिनेशन की वैक्सीन मिले उनने इसको टॉलरेट किया, बहुत कोई ऐसे सिग्निफिकेंट साइड इफेक्ट नहीं हुए। एंड जो एक जो एंटीबॉडी रिस्पॉन्स है वह सफिशियंट एंड पोटेंट, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा एक्स्ट्राविजेंट जो रिस्पॉन्स आया या बहुत जो इम्यूनिटी है वो नीचे की तरफ गई। जो रिस्पॉन्स था वॉज पोटेंट एंड वास्तव में इट वॉज एफिकेशियस अगेंस्ट द इन्फेक्शन। नाउ ऐसे ही एक स्टडी है प्लान्ड जिसमें मॉडर्ना का एमआरए वैक्सीन एंड नोवोमैक्स विच इज ए ट्रेडिशनली या एडिनो वायरस वैक्सीन, इस पर भी जो ना प्लान्ड है। लेकिन जो ट्रायल्स हैं दे आर ऑन, एक ट्रायल है आउट ऑफ द स्पेन, इसने बोला कि अगर आप मिक्स करके जो इस तरह के वैक्सीन लगाते हैं तो ये वास्तव में कोई भी एडवांटेज नहीं देती है। इसका मतलब ये है कि अगर आप दो अलग अलग वैक्सीन लगाते हैं तो यू डू नॉट गेट एनी एडवांटेज आउट ऑफ दिस। नाउ अगर हम अपने देश को देखें तो ये बात बिल्कुल सही है कि क्रिटिकल शॉर्टेज है अब द वैक्सीन की, ये बात बिल्कुल सही है। अगर ऑन पेपर देखें तो ये बिल्कुल आइडिया ठीक लगता है कि एक वैक्सीन अगर हमने लगवा लिया कोविशील्ड का और दूसरा कोवैक्सीन का तो क्या फर्क पड़ना चाहिए। लेकिन जो फोकस है वो इसी पर है कि अगर आपको एक डोज लगी है तो भले ही थोड़ा सा गैप हो जाए, भले ही थोड़ा सा डिले हो जाए, लेकिन सेकंड डोज आपको जरूर लगानी चाहिए। एंड जो सेकंड डोज है आपको उसी वैक्सीन की लगानी चाहिए जिसके आपको फर्स्ट डोज मिली हुई थी। जो मिक्सिंग है ऑफ द वैक्सीन की मे नॉट एक्चुअली बी बेटर देन डिलेइंग द डोज। तो इसलिए अगर थोड़ी सी डिले हो जाती है तो भी प्रॉब्लम नहीं है, एक तो उसको कैंसिल मत करिए, एंड जो ना डिले भी हो जाती है तो भी जो वैक्सीन है उन्हें मिक्स मत करिए। ये थ्योरेटिकली पॉसिबल है कि आप मिक्स करें तो रिजल्ट्स आ जाएं, बट आप जानते हैं कि जहां तक कोविड-19 का वायरस है ना तो हम बहुत ज्यादा इसके बिहेवियर के बारे में जानते हैं, ना 100% हम कॉन्फिडेंट हैं कि इसमें म्यूटेशन वेरिएंट्स कैसे डेवलप होंगे, ना हम 100% जानते हैं कि वास्तव में वैक्सीन्स की जो मिक्सिंग है, वैक्सीन की जो मैचिंग है, जो मिक्सिंग मैचिंग है वो कैसा इफेक्ट डालेगी। इसलिए आज की तारीख में रिकमेंडेशन यही है कि व्हाटएवर मे बी डिले आपको वैक्सीन्स को मिक्स नहीं करना चाहिए। अगर आप समझते हैं कि कोवैक्सीन कोविशील्ड को मिक्स करने के इस एस्पेक्ट को समझने में ये वीडियो आपको हेल्प करता है तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लेबर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर, थैंक यू वेरी मच।